गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज ई बुक के पेज नंबर 107 में एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 8 में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क था। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में। द वेट ऑफ अ पम्पकिन इज 1.05 केजी एंड द वेट ऑफ अ पैकेट ऑफ पोटैटोज इज 2.725 केजी एंड द वेट ऑफ अ वाटरमेलन इज 3 kg 20 g। फाइंड दियर टोटल वेट। जो वेट है एक पम्पकिन का वो है 1.05 kg एंड वेट जो है एक पैकेट ऑफ पोटैटोज का है 2.725 kg एंड जो वेट है एक वाटरमेलन का 3 kg 20 g है। तो हमें फाइंड करना है उनका टोटल वेट। तो कैसे फाइंड करेंगे? तीनों को ऐड करेंगे। लेकिन जब तीनों को ऐड करेंगे तो याद रखिएगा इनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ किलोग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, लेकिन यहाँ किलोग्राम एंड ग्राम में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे द वेट ऑफ अ पम्पकिन। द वेट ऑफ अ पम्पकिन कितना है? 1.05 kg। ठीक है, द वेट ऑफ ए पैकेट ऑफ पोटैटोज। द वेट ऑफ ए पैकेट ऑफ पोटैटोज कितना होगा? 2.725 kg। द वेट ऑफ अ वाटरमेलन, ठीक है, कितना होगा? 3 kg 20 g। इसे कन्वर्ट करेंगे तो देखिए वेट कितना है पम्पकिन का, 1.05 kg। ठीक है, वेट कितना है पैकेट ऑफ पोटैटोज का? 2.725 kg। वेट कितना है वाटरमेलन का? 3 kg 20 g। इसे कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो लिखेंगे हम 3 kg + 20 g। तो 3 kg + ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोग्राम में आ गया। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 3 डिजिट के पहले लगाएंगे, यहाँ 2 डिजिट 1 0 लगाएंगे, 0.020 किलोग्राम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3.020 किलोग्राम। ठीक है, तो आ जाएगा 3.020 किलोग्राम जब दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे दियर टोटल वेट। दियर टोटल वेट, दिया टोटल वेट, उनका टोटल वेट फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे? 1.05 kg में ऐड करेंगे कितना? 2.725 kg, उसमें ऐड करेंगे कितना? 3.020 kg। ठीक है, क्या करेंगे? 1.05 kg ऐड में ऐड करेंगे 2.725 kg प्लस 3.020 kg, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6.795 किलोग्राम और यही आपका आंसर है। ठीक है, इनका एडिशन देख लीजिए, एडिशन आपका रफ वर्क है, से रफ में करिएगा। ठीक है, 1.050 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट लगाएंगे, 2.725, ये कहलाता है लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये आप 4th-5th क्लास में पढ़े होंगे। ये क्या कहलाता है? डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, सबको उसी तरह हमने कन्वर्ट कर लिया है, एक जीरो ऐड कर लिया जिसमें नहीं था, इसमें नहीं था तो एक जीरो ऐड कर लिया, बाकी में तो है, ये कहलाता है लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है, ऐड करेंगे तो यहाँ 5 आएगा, इसको ऐड करेंगे 5 to 7, 7 to 9 ऐड करेंगे 7 आएगा, 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, तो आ गया 6.795 kg। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया। सबसे पहले लिखा वेट कितना है पम्पकिन का, 1.05 kg, वेट कितना है पैकेट ऑफ पोटैटोज का इतना है, वेट कितना है वाटरमेलन का इतना है, 3 kg 20 g को कन्वर्ट किया किलोग्राम में तो आ गया 3.020 kg किलोग्राम, इनका टोटल वेट फाइंड किया तो आ गया 6.795 kg, ये आपका प्लस जो मैंने किया ये रफ वर्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में।
Question number 9. The quantity of rice used in a hostel for a day is 10 kg 250 gram. When a few more students joined, the consumption increased to 12.3 kg. Find the extra quantity of rice required. जो क्वांटिटी है राइस की जो यूज्ड की जा रही है एक हॉस्टल में एक दिन के लिए वो है 10 kg 250 ग्राम. जब कुछ और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए हॉस्टल को तो जो कंजप्शन है वो इंक्रीज्ड हो गया कहाँ तक 12.3 kg तक. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो राइस की लगेगी वो कितनी होगी. ठीक है, तो देखिए टोटल क्वांटिटी कितनी यूज हो रही है एक दिन में हॉस्टल में 10 kg 250 ग्राम राइस की. ठीक है, जब कुछ और स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं हॉस्टल को तो उनका जो कंजप्शन है इससे बढ़कर इतना हो जाता है राइस का कंजप्शन 12.3 kg हो जाता है, इससे बढ़कर इतना हो जाता है. तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी जो है राइस की ज़रूरत होगी, जिस मतलब एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस की जो ज़रूरत होगी हमें उसे हमें फाइंड करना है वो कितनी होगी. तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जितना एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी वो हमें पता चल जाएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को. सबसे पहले लिखेंगे था क्वांटिटी ऑफ राइस यूज्ड फॉर अ डे. द क्वांटिटी ऑफ राइस यूज्ड फॉर अ डे कितनी है, 10 kg 250 ग्राम. तो इसको प्लस करेंगे तो 10 kg प्लस, इसको इस तरह लिख सकते हैं, अब इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, ये एज इट इज़ आएगा कि ग्राम में को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे लिए 1000 से डिवाइड करेंगे. थ्री जीरो है तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 0.250 किलोग्राम. दोनों को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 10.250 किलोग्राम. ठीक है, तो जो क्वांटिटी है राइस की जो यूज्ड हो रही है एक दिन में वो कितनी है 10 kg 250 ग्राम, इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो आ जाएगा 10.250 किलोग्राम. ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे तो क्वांटिटी ऑफ इंक्रीज्ड कंजप्शन. The quantity of increased consumption कितना है, कितनी दी हुई है 12.3 kg. अब हम फाइंड करेंगे द एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस रिक्वायर्ड. The extra quantity of rice required. इसमें से माइनस करेंगे हम 10.250 kg को. ठीक है, तो द एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस रिक्वायर्ड वो कैसे हम फाइंड करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे 12.3 kg में माइनस करेंगे 10.250 kg तो आ जाएगा 2.050 kg और यही आपका आंसर है. देखिए माइनस कैसे करेंगे 12.3 kg, देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो यहाँ पे 2 जीरो और ऐड करेंगे, माइनस करेंगे इसमें 10.250 kg, माइनस करेंगे डेसिमल की जगह डेसिमल, किलोग्राम की जगह किलोग्राम, जीरो में जीरो माइनस करेंगे जीरो, कैरी लेंगे 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 बचेगा 2, 2 में 2 माइनस करेंगे जीरो, फिर 2 में जीरो माइनस करेंगे 2 आएगा, 1 में 1 माइनस करेंगे जीरो. तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ जीरो का कोई मतलब नहीं होता. तो आगे 2.050 kg. ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया. जो क्वांटिटी है राइस की जो यूज्ड हो रही है एक दिन में वो कितनी है 10 kg 250 ग्राम, इसको हमने कन्वर्ट किया इसमें तो आगे 10.250 kg. फिर जो क्वांटिटी है राइस की क्वांटिटी ऑफ इंक्रीज्ड कंजप्शन, जो क्वांटिटी है इंक्रीज्ड कंजप्शन की आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं द क्वांटिटी ऑफ राइस
आप यहाँ क्वांटिटी ऑफ राइस ऑफ इंक्रीज कंजप्शन भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ये भी सही है, क्वांटिटी ऑफ इंक्रीज कंजप्शन ये भी सही है, ठीक है। तो आप चाहें तो बीच में ऐड कर लीजिएगा, तो द क्वांटिटी ऑफ राइस ऑफ इंक्रीज कंजप्शन वो भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना भी ये सही है। तो वो कितनी है 12.3 केजी। फिर एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ राइस जो रिक्वायर्ड हो रही है इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2.050 केजी। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया है और एक्सरसाइज 7.4 भी आपकी कंप्लीट हो गई है और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसे आप घर में एक बार अच्छे से लगाइएगा, बाद में कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।